इससे पूर्व हमने ज्ञात किया था कि 24 घंटे में या 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयों के मध्य शून्य अंश का कोण बनता है। तो हमको ध्यान में है कि 12 घंटे के अंदर 11 बार और 24 घंटे के अंदर 22 बार घड़ी की सुइयों में शून्य अंश का कोण बनता है। अब हम देखेंगे कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं कि किसी समय के बीच में कब घड़ी की सुइयों के मध्य शून्य अंश का कोण बनेगा, तो वो ज्यादातर सवालों में समय पूछता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मान लो उसने प्रश्न दिया कि 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयों के मध्य कब शून्य अंश का कोण बनेगा। तो अब देखो प्रश्न को देखते हमको पता है कि 2 से 3 के मध्य मतलब 2 बजकर, ये तो पक्की बात है कि 2 बजकर, तो हम यहाँ पे इसका जब हल करेंगे तो लेकिन 2 बजकर, अब जो मिनट आएंगे वो हमको ज्ञात करने हैं। तो जो हमारी पहली वाली वैल्यू है यानी कि 2 वाली जो वैल्यू है उसको हम 60/11 से गुणा करेंगे। ध्यान रखना जितने बजे से हमारा समय शुरू होगा उसको 60/11 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा अपना मिनट। तो अभी हो गया अपना 120/11, इसको और हल करेंगे तो 11 दाई तो होता है 110, तो 10 से ही 10/11 यानी कि 2:10 से ही 10/11 मिनट पर घड़ी की सुइयों के मध्य जो कोण होता है वो शून्य अंश का होता है। हमें साधारणतः लगता है कि 2:10 पर ऐसा होता होगा, लेकिन वास्तविकता में चूंकि घंटी की सुई भी थोड़ा सा आगे खिसक जाती है इसलिए वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। हम कोई और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हमसे पूछा 6 से लेकर 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयों के मध्य शून्य अंश का कोण कब बनेगा, तो ठीक वही बात 6:00 यानी जो हमारी शुरुआत होगी वो किससे होगी 6:00 होगी। अब 6:00 वही पहली वाली वैल्यू 6 × 60/11, तो ये अपना हो गया 360/11। तो इसको हम हल करेंगे, मान लो 11 या 33 30 आया, शेष बचा अपना 3 30 11 × 22, शेष बचा 8, तो 32 से ही 8/11, तो यानी कि 6:32 से ही 8/11 मिनट पर घड़ी की सुइयों के मध्य जो कोण है वो 0° का होगा।